अपराध कहने के लिए तो सिर्फ चार अक्षरों का शब्द मात्र है, लेकिन अगर इसकी सच्चाई को जानने लगें, अगर इसके बारे में हम तह तक जाएं, तो ये पूरे समाज के लिए एक सिरदर्द बनता जा रहा है। छोटी उम्र में जिसमें लोग किताबें हाथों में थामते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं, ऐसी सोच के लोग होते हैं जो अपने हाथों में बंदूक और तलवारें ले लेते हैं। आखिर क्या सोच होती है इनकी? आम आदमी से हटकर ये क्या सोचते हैं कि अपराध की राह पर चल उठते हैं? यही सब जानने के लिए आज आप इस खास पेशकश में मैं लाया हूँ एक ऐसे इंसान को जो पहले खुद एक चोर रह चुका है, खुद पॉकेटमार रह चुका है, एक्स उठाए गिर बहुत सारे जिसके नाम के मुकदमे हैं। आइए मिलवाते हैं ऐसे शख्स को। कैमरामैन मैं चाहूँगा कि दिखाएंगे, क्या नाम है आपका? तो पूरा थूक ले, आराम से थूको भाई, थूक लीजिए, पूछ लीजिए क्या नाम है आपका? गुड्डू गांडा। गुड्डू गांडा, बड़ा अलग ढंग का नाम है आपका, और ये नाम कुछ अश्लीलता की तरफ नहीं इशारा करता गुड्डू गांडा जी? जी नहीं, ऐसा है अगर हम लोग ऐसा नाम ना रखें। अरे फिर से थूक की बात करें गुड्डू जी, सही में गांडे हो यार। तो गुड्डू जी, क्या इस नाम के पीछे की क्या सच्चाई है? बड़ा अश्लील सा नाम रखे हैं आप। जी अगर हम लोग ऐसा नाम ना रखें, और मैं इसे करिए। अच्छा हाँ। जी अगर हम लोग नाम ऐसे ना रखें तो कोई डरेगा नहीं। अच्छा, मतलब आप डराने, तो देख सकते हैं आप कितनी छोटी सी उम्र में डराने के लिए सब काम करते हैं। अब समाज का ऐसा भी दिन आ गया कि नौलोन से डराया पड़ी जो न हो। तो गुड्डू गांडा जी, आप जैसा होनहार दिख भी रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि आप इस लाइन में आ गए? कैसे इंस्पायर हुए, किससे इंस्पायर हुए और किससे सीख करके आप इस लाइन में चले आए? जी हम पुष्पा फिल्म देखे थे। पुष्पा फिल्म देखे थे, देख लीजिए कि फिल्में समाज को क्या सिखाती हैं। अल्लू अर्जुन ने इसे किया, ये डकैती और चोरी की राह पर चल उठे, इसीलिए थोड़ा सा आप लग भी रहे हैं, दाढ़ी वगैरह भी रखे हैं आप जो है। तो पुष्पा फिल्म से आप इंस्पायर हुए हैं। तो पहली ऐसी घटना बताएं जब आप चोरी या पॉकेट मारी के प्रोफेशन में गए और पहली पहली बार आपने पॉकेट मारा हो ऐसा कुछ? जी हम पहली बार बनारस में किया था। अच्छा, बनारस में। हाँ जी, वहाँ पे बहुत डर लगता है लाल घूसा खाने का, पुलिस न पकड़े, इसलिए हम अपने जलालपुर क्षेत्र में आ गए। अच्छा, मतलब वहाँ तो ऐसा हुआ भी होगा कि जब आप ऐसा काम कर रहे थे तो एक बार लात तो भी खाए होंगे? जी हाँ, लात तो खाए हैं भाई, ऐसा काम कर रहे हैं तो लात खाने का डर बना रहता है। कितना रिस्क होता है इस काम में, लेकिन फिर भी आज के युवा इस काम में जा रहे हैं। अब मैंने बताया भी कि एक्स पॉकेट मार रह चुके हैं, छेड़खानी के कई मुकदमों में जा चुके हैं। तो दोस्त, जब आप छेड़खानी कर रहे हैं या फिर मेलों में आप लात खाए हैं, आपकी बड़ी एक पृष्ठभूमि रही है क्राइम की, तो क्या ऐसा भी हुआ है कि कभी अपनी बहन बेटी पर आपका मन मचल गया हो कुछ ऐसा? नहीं। अच्छा, अपना छोड़ करके साले लोग सबको लूटते हैं, ये देखिए अपराधी है लेकिन दिमाग में इनके चलता है किसको छोड़ना है किसको लूटना है। बहुत अच्छी बात है। तो ये सुधार जो आप में देखने को मिल रहा है, गांव वाले बता रहे हैं कि आप आत्मसमर्पण करने वाले हैं कल, और कैमरे के सामने हमारी बात भी इसी लिए हो रही कि लोग जान पाएं कि वो कौन सा ऐसा पड़ाव आया जिस पर आप थम गए अपराध को। फिर थूक लीजिए सलाह तभी थूक दे रहा रहे। तो आप कैसे रुक गए? लात खा करके कहीं किडनी उडनी फेल हो गया, फिर स्वाभिमान आपका जाग गया? नहीं देखिए, अगर क्रिकेटर क्रिकेट खेलता है, थूक दे रहे हैं, पूरा थूको पहले, पूरा थूको, थूक पहले। हाँ क्या हुआ? क्रिकेटर अगर क्रिकेट खेलता है तो उसको संन्यास लेना पड़ता है, तो हम संन्यास लेंगे लेकिन एकदम से संन्यास नहीं लेंगे। अच्छा, मतलब बच्चों को ट्रेन करेंगे। बच्चों को ट्रेन करेंगे, मतलब पॉकेट मारी का इंस्टीट्यूट खोलोगे? जी, पॉकेट मार इंस्टीट्यूट। क्या दिन आ गए हैं, कैसे चोर उठाए गिर लोग पहले जो खुद लात खा चुके हैं, कई मामलों में अभियुक्त रहे हैं, जो मेला वोला में भी लात खाए हैं, छेड़खानी में तो साला दुर्गा पूजा में भी लोग पिटे हैं, लेकिन ऐसा दिन आ गया है कि लोग पॉकेट मार इंस्टीट्यूट खोलेंगे। नाम कुछ सोचे हैं पॉकेट मार इंस्टीट्यूट का आपने? जी, क्या नाम है? पॉकेट मारी, उसके बाद हमारा नाम है गुड्डू गांडा, पहले रखेंगे। हाँ हाँ, पॉकेट मारी इंस्टीट्यूट स्पेशल क्लासेस बाय गुड्डू गांडा सर। ये गांडे वांडे लोग साले अब क्लासेस चलाएंगे हमारे, आपके बच्चों का भविष्य संवारेंगे। तो गुड्डू जी, अब एक अच्छे नागरिक के तौर पर आप जाने जाएंगे, आप प्रोफेशन भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन जरा सा हम चाहेंगे कि दर्शकों को एक डेमो दें आप, कि आप कैसे मतलब पॉकेट मारते थे। मान लीजिए मेरी मोबाइल है, सारा मोबाइल ही कैमरा मैन, मोबाइल यार मेरा साला, ये देखो आए, ये तो हमारा मोबाइल है, जो आपसे पहली बार सटे थे वही समय ले लिए जी। तू का सुधर बा भाई, छोड़ो भैया, ही सुधरेगा नहीं साला, छोड़ो हमारे गांव में गद्दारी हमेशा। अबे बोल मत, फिर मोबाइल दे दो।
तो देखा है आप लोगों ने कि गुड्डू गांडा नाम का एक कितना शातिर आदमी है। मैं इसका इंटरव्यू लेने के लिए गया, इसने पहले मेरी मोबाइल छुआ दी। जो है ऐसे लोग कभी नहीं सुधरेंगे, फैसला आप पर है कि सुधर कर आते हैं आप समाज में, इनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं एक्सेप्ट करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट एमटीवी पर, बने रहिए आप लोग, धन्यवाद।